हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज आपके साथ में और एक बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन वाला लॉन्ग मंगलसूत्र शेयर करने वाली हूँ। दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और बनाने में बहुत ही आसान है, आप इसे घर बैठे ही बना सकते हो। मंगलसूत्र बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है पुरोने के लिए धागा। यहाँ पर मैंने 4 सुई लिया है, सुई में मैंने सिलाई वाला धागा पुरो लिया है, ब्लैक मोती, गोल्ड मोती, यहाँ पर बड़े वाले गोल्ड मोती लिया है। यहाँ पर मैंने ये बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन वाला पेंडेंट लिया है, ये देखिए इस तरह का। मंगलसूत्र बनाने के लिए पहले यहाँ पर हमें धागा लेना है। धागे को हमें इस तरह से देखिए फोल्ड कर लेना है। इस तरह से फोल्ड करते हुए हमें 4 लेयर धागा लेना है। ये देखिए मैंने यहाँ पर फोल्ड करके इस तरह से 4 लेयर धागा लिया है। यहाँ पर आप धागे को अपने हिसाब से ले सकते हो। यहाँ पर मैंने कट लगा दिया है, पीछे इस तरह से बांध दिया है। ये देखिए मैंने यहाँ पर इतना धागा लिया है। आपको जितना लॉन्ग मंगलसूत्र चाहिए आप उतना धागा ले सकते हो। यहाँ पर हमें धागे को सामने की ओर अलग अलग कर लेना है। यहाँ पर हमें चारों धागों को अलग अलग कर लेना है और चारों धागों में हमें सुई को बांध लेना है। ये देखिए यहाँ पर हमें ये चारों सुई को बांध लेना है। ये देखिए यहाँ पर हमने सुई को बांध लिया है। पहले एक धागे में हमें इस तरह से छोटे वाले ब्लैक मोती पुरो लेना है। यहाँ पर हमने बहुत ही छोटे ब्लैक मोती लिया है। यहाँ पर हमें अंदाजी ब्लैक मोती पुरो लेना है। यहाँ पर मैंने इस सुई के बराबर इतने ब्लैक मोती पुरो लिया है। यहाँ पर आप मोती को कम ज़्यादा कर सकते हो। ये देखिए इतने ही हमें चारों धागों में बराबर मोती को पुरो लेना है। ये देखिए इसी तरह से। ये देखिए यहाँ पर हमने चारों धागों में ब्लैक मोती बराबर पुरो लिया है। अभी हम यहाँ पर गोल्ड और ब्लैक इस तरह से मोती पुरो लेना है। यहाँ पर हमने इस तरह से 6 गोल्ड और इस तरह से 5 ब्लैक मोती पुरो लिया है। आप देख सकते हो मैंने किस तरह से पुरोया है। इसी तरह से हमें चारों धागों में बराबर मोतियों को पुरोना है। ये देखिए इसी तरह से हमने 6 गोल्ड और इस तरह से 5 ब्लैक इसी तरह से हमें पुरोते जाना है। देखिए हमने यहाँ पर इतना पुरो लिया। अभी हमें चारों सुई को मिलाकर इस तरह से बड़ा वाला गोल्ड मोती पुरो लेना है। यहाँ पर हमें फिर से धागे को अलग अलग कर लेना है। ये देखिए इस तरह से फिर से यहाँ पर हमें इस तरह से गोल्ड मोती और ब्लैक मोती पुरो लेना है। इसी तरह से हमें चारों धागों में बराबर गोल्ड मोती और ब्लैक मोती पुरोना है। ये देखिए आपको देखने के बाद में समझ में आया होगा कि मैंने किस तरह से मोतियों को पुरोया। इसी तरह से हमें बराबर मोतियों को पुरोते जाना है। फिर से यहाँ पर हमें ब्लैक मोती पूरा लेना है। ये देखिए यहाँ पर भी आप अपने हिसाब से ब्लैक मोती डाल सकते हो। इस तरह से मैंने इतने ब्लैक मोती पूरा लिया है। इसी तरह से हमें चारों धागों में बराबर ब्लैक मोती पूरा लेना है। ये देखिए यहाँ पर हमने चारों धागों में इस तरह से ब्लैक मोती पूरा लिया है। यहाँ पर हमें फिर से 6 गोल्ड और 5 इस तरह से ब्लैक मोती पूरा लेना है। ये देखिए इसी तरह से हमें चारों धागों में गोल्ड और ब्लैक मोती पूरा लेना है। यहाँ पर अभी हमें चारों सुई को मिलाकर एक बड़ा वाला गोल्ड मोती इस तरह से पुरो लेना है। ये देखिए फिर से यहाँ पर हमें
धागे को अलग अलग कर लेना है। फिर से यहाँ पर हमें 6 गोल्ड और 5 इस तरह से ब्लैक मोती पूरे लेना है। ये देखिए इसी तरह से हमें चारों धागों में गोल्ड मोती और ब्लैक मोती पूरे लेना है। यहाँ पर हमने चारों धागों में गोल्ड मोती और ब्लैक मोती पूरे लिया है। ये देखिए यहाँ पर अभी हमें फिर से ब्लैक मोती पूरा लेना है। तो पहले हमें एक सेम इस तरह से फिर से ब्लैक मोती पुराना है। ये देखिए यहाँ पर मैंने इतने ब्लैक मोती पूरा लिया है। इसी तरह से हमें चारों धागों में ब्लैक मोती पुराना है। फिर से यहाँ पर हमें 6 गोल्ड और 5 ब्लैक इस तरह से मोती पूरा लेना है। ये देखिए चारों धागों में हमें इसी तरह से पुराना है मोती को। ये देखिए यहाँ पर हमने चारों धागों में मोती पूरा लिया है। फिर से यहाँ पर हमें चारों सुई को मिलाकर बड़ा वाला गोल्ड मोती पूरा लेना है। फिर से यहाँ पर हमें धागे को अलग अलग कर लेना है और 6 गोल्ड और 5 ब्लैक इस तरह से मोती पुराना है। इसी तरह से हमें चारों धागों में गोल्ड और ब्लैक मोती पुराना है। ये देखिए फिर से यहाँ पर हमें बड़ा वाला गोल्ड मोती पुरा लेना है। ये देखिए यहाँ पर हमारा एक साइड बनकर तैयार हो चुका है। अभी हमें यहाँ पेंडेंट को लगा लेना है। पहले यहाँ पर हमें सुई में इस तरह से पेंडेंट को पुरो लेना है, सुई को निकाल देना है। ये देखिए बीच में से इस तरह से पकड़ते हुए पेंडेंट को इस तरह से पुरो लेना है और इस तरह से खींचना है। यहाँ पर हमारा पेंडेंट अच्छे से फिक्स हो जाएगा। आप देख सकते हो मैंने किस तरह से पुरा है, उसी तरह से हमें पुरोना है। यहाँ पर हमें मोती को सामने को लाना है। ये देखिए इसी तरह से हमें दूसरी साइड भी बनाना है। यहाँ पर हमने दूसरी साइड भी बना लिया है। इसे भी हमें पेंडेंट को लगा लेना है। इस तरह से सुई को हमें पेंडेंट में पुरो लेना है और धागे को इस तरह सुई को निकाल देना है और इस तरह से पुरो लेना है। ये देखिए यहाँ पर हमारा दोनों साइड पेंडेंट को लग चुका है। अभी हमें पीछे स्क्रू को लगा लेना है। पहले हमें इस तरह से सुई को स्क्रू को हमें पुरो लेना है। पीछे इस तरह से हमें स्क्रू के बराबर हमें अच्छे से नॉट लगा लेना है। ये देखिए इस तरह से, इसी तरह से हमें दूसरी साइड भी स्क्रू को लगा लेना है। एक्स्ट्रा धागा कट कर देना है। यहाँ पर हमारे आज का बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन वाला मंगलसूत्र तैयार है। तो आपको आज की डिज़ाइन कैसे लगी आप मुझे कमेंट करना, और मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। आपको और भी मंगलसूत्र डिज़ाइन सीखना हो तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो, मैंने बहुत से खूबसूरत मंगलसूत्र डिज़ाइन सिखाया है।